क्या आपका भी पंखा चलते चलते रुक गया है, या पंखे में आवाज़ आ रही है, या पंखा बिल्कुल ही नहीं चलता। दोस्तों आज ये कस्टमर का एक पंखा है, देखिए अभी आवाज़ आ रही है, और इसको जब इसको लाइन देते हैं घूमता नहीं है। इसका ऐसे पता लगने में बैरिंग खराब हुआ पड़ा है, पर इसमें चेक करेंगे क्या इस पंखे की मोटर सही है कि नहीं है। बैरिंग तो बदलना ही बदलना है। दूसरा कारण क्या, इसकी शाफ्ट जो ऊपर वाली है ये तो नहीं कट गई। ये सभी चीज़ों को जानने के लिए वीडियो में बने रहिए अंत तक, और एवरी स्टेप को फॉलो कीजिए ताकि आप भी अपने पंखे को ख़राब होने से बचा सकें और कम खर्चे में ही उसको घर पे ही ठीक कर सकें। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त ओम प्रकाश, और आप देख रहे हैं आपका प्यारा YouTube चैनल ओम जी टेक्निकल लाइन। टेक्निकल से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए ओम जी टेक्निकल लाइन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटे का बेल आइकन दबाइए, लाइक कीजिए, और दोस्तों के साथ फेसबुक, इंस्टाग्राम और अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस चैनल को शेयर कीजिए। चलते हैं आगे वीडियो की तरफ। दोस्तों ये वही पंखा है जो मैंने आपको वीडियो में दिखाया है। पहले इसको खोलने से पहले इसकी वाइंडिंग को चेक कर लेते हैं। वाइंडिंग चेक करने के लिए हम एक कनेक्टर के एक एक तार को खोलेंगे। तो इसमें से जो सेल कनेक्टर होगा उस सेल निकालेंगे।
हमको तो बाइक पे कसनी है, उसको बाइक होना बहुत जरूरी है दोस्तों। एक अच्छे इलेक्ट्रिशियन के पास टूल्स का तो होना जरूरी है, बिना टूल्स के कोई काम नहीं करता। धीरे धीरे चोट मारेंगे तो पहले नहीं मारेंगे। बैरिंग भी खराब हुआ पड़ा दोस्तों, ग्राहक की किस्मत अच्छी थी, मोटर देखिए बिल्कुल फ्रेश है, न्यू और फ्रेश ये मोटर हमने बनाई थी मोटर दोस्तों, देखिए कितनी अच्छी फिनिशिंग आई है, मोटर बच गई है। बैरिंग की वजह से ये पंखा जाम हो गया, कस्टमर को बोला कि बैरिंग चेंज कराओ तब कस्टमर माना नहीं, बोलता यही पुराना बैरिंग डाल, अब ये बैरिंग खराब हो गया तो नया बैरिंग डालना ही पड़ेगा। तो ये भी प्रोसेस देख लेते हैं कि इसमें बैरिंग डालते कैसे। ये बैरिंग को लगा दो, बैरिंग में काम नहीं किया, बैरिंग टाइम पे टाइम चेंज कर देना चाहिए, अगर बैरिंग आप चेंज नहीं करोगे तो पंखा आपका सड़ सकता है। नया बैरिंग पंखा दे दिया,
लंबा हो जाता है दोस्तों, ऊपर आके मोड़ो दोस्तों, वीडियो का आप देखते रहिए, जुड़ने के मैं वीडियो में बोलूँगा तो ही आपको समझ आएगा, आप देख के इसको समझ सकते हैं।
है।